जन्माष्टमी माना कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण क्या है, इस सृष्टि के नंबर वन प्रिंस। आज बाबा ने मुरली में भी बताया कि देवी देवताओं की महिमा और परमात्मा की महिमा में अंतर हम सभी जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते। हम ब्राह्मण जानते हैं कि देवताओं में क्या अंतर है और परमात्मा में क्या अंतर है। तो परमात्मा क्या है? शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। और देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। तो देवी देवताएं कहाँ होते हैं? इसी भारत भूमि में। इस भारत भूमि में रहने वाले बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और इस भारत भूमि में रहते हुए इस समय भगवान इस धरती पर आया हुआ है। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान अभी क्या बनाने आया है? इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। हम झांकियां भी सजाते हैं, रास भी कराते हैं। तो ये बात कहाँ की है? भारत की ही है। इस भारत में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। हमारा भारत स्वर्ग था। सभी क्या थे? हर नर देवता था। सोने के महल थे, हीरे जवाहरातों की जड़ित थी, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, आपस में बहुत स्नेह प्यार था। तो दिखाया कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? जन्माष्टमी दिखाते हैं। जन्माष्टमी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सतयुग में जो फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर पर श्री कृष्ण आते हैं और स्वयंवर के बाद राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण के नाम से सतयुग में 8 गद्दियाँ चलती हैं। और वो कौन होते हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी देवी देवताएं। वहां दिखाते हैं कि 8 गद्दियों में दिखाते हैं कि दशरथ होते हैं। दशरथ के मस्तक पर सूर्य होता है, क्योंकि सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण को चंद्रवंशी दिखा दिया है, छत्री दिखा दिया है, और राम को सूर्यवंशी दिखा दिया है। लेकिन शिव बाबा ने आकर के ये राज बताया कि श्री कृष्ण सूर्यवंशी थे। क्यों सूर्यवंशी थे? क्योंकि सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो जो सर्वगुण संपन्न होगा, 16 कला संपूर्ण होगा, वो पहले आएगा या 14 कलाओं वाला पहले आएगा? कौन पहले आएगा? सूर्यवंशी पहले आएंगे ना, 16 कलाओं वाले। तो इस सृष्टि पर सबसे पहले कौन आते हैं? श्री कृष्ण। और वो भी दिखा दिया पीपल के पत्ते पर। कहीं कहीं दिखा देते हैं ना कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आए। अब पीपल के पत्ते पर कोई बच्चा आएगा क्या? माना उस समय सतयुग में जब शुरुआत होती है, श्री कृष्ण का जन्म होता है, उस समय सृष्टि का आकार, भारत भूमि का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। और सृष्टि का पहला पत्ता है, माना सृष्टि के पहले नंबर मनुष्य माना देवता हैं श्री कृष्ण, इसलिए पीपल का पत्ता दिखा दिया और पहला नंबर। तो लास्ट में दिखाया दशरथ को, दिखाया माना दशरथ तक 8 गद्दियाँ चलती हैं, वहाँ तक सूर्यवंशी घराना होता है, क्योंकि राम को चंद्र रामचंद्र लिखा जाता है, श्री कृष्ण चंद्र नहीं बोला जाता, क्योंकि श्री कृष्ण सूर्यवंशी थे और राम से चंद्र वंश शुरू हो जाता है। दशरथ के मस्तक पर सूर्य दिखाते हैं और राम के मस्तक पर तो नहीं दिखाते, राम
सूर्य दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वहाँ से चंद्र वंश शुरू हो जाता है। अब श्री कृष्ण को एक तरफ हम कह देते हैं कि सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, और दूसरी तरफ दिखा देते हैं कि उन्होंने चीर चुराए, गोपिकाओं को भगाया, माखन चुराया, कितनी बातें दिखा देते हैं। एक दिन म्यूजियम दिखा रहे थे किसी को, तो पूछा, माता जी आप जानती हैं इनको? करे हाँ। ये आपको ये अच्छे लगते हैं? करे ये बहुत अच्छे लगते हैं। हमने कहा क्यों अच्छे लगते हैं? तो उन्होंने बोला ये लीलाएं करते थे इसलिए हमको अच्छे लगते हैं। हमने कहा क्या क्या लीलाएं करते हैं? कि ये माखन चुराते थे, ये चीर चुराते थे, ये गोपिकाओं को भगा ले गए इसलिए अच्छे थे। हमने कहा अगर आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा करे, कोई लड़का ऐसा करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कह रहे वो तो भगवान थे। हाँ, तो जो भगवान करेगा लोग तो वही करेंगे। तो वास्तव में जैसा दिखा दिया है वैसा है नहीं। इन सभी बातों का आध्यात्मिक रहस्य है। चीर चुराते थे, गोपिकाएं स्नान करती थीं और वो एक दिन चीर चुरा ले गए। तो वास्तव में बात किसकी है? गोपी माना गोपनीय। ये शरीर है, दिखाई तो शरीर दे रहा है, लेकिन इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा बैठी है। आत्मा क्या है? गोपी है। तो हम सब कौन हैं? गोपिकाएं। और कहाँ स्नान कर रहे हैं? ज्ञान सरोवर में। स्नान दो प्रकार का होता है, एक होता है पानी का स्नान और दूसरा होता है ज्ञान का स्नान। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान स्नान। और भगवान ने क्या कहा? शिव बाबा ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर क्या है? शरीर तो वस्त्र है, इस वस्त्र को आत्मा ने धारण किया है। तो शिव बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, अशरीरी होके रहो और इस शरीर के भान को भूल जाओ।